जो हमारे भाई है दूसरे राज्यों से आके तेलंगाना के विकास में काम कर रहे हैं, हम आपको जैसा मैंने पहले बताया था हमारे बेटे हमारे तेलंगाना राज्य विकास के प्रतिनिधि मानते हैं। आप बेफिक्र से यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ सारा काम खुल जा रहा है, आपको करने के लिए पूरा काम मिल जाएगा। हाउसिंग एक्टिविटी चलेगा, रियल एस्टेट चलेगा, काफ़ी और काम भी चल पड़ेगा, इंडस्ट्री भी चलेगा, तो लिहाजा आप अपना काम ढूंढ सकते हैं। जहाँ पहले से काम कर सकते हैं वहाँ आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। जो लोग जाने के लिए मन बना लिए हुए हैं आप लोग जा सकते हैं, कोई पाबंदी हम रोकेंगे नहीं, लेकिन एकदम लाखों लोगों को हम नहीं भेज सकते। आज मेरा यूपी सीएम साहब से बात हुआ, बिहार सीएम साहब से बात हुआ, कई चीफ मिनिस्टर लोगों से और कई अधिकारियों से मेरा बात हुआ उत्तर भारत में, वो लोग भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक दिक्कत बताया कि जो लोग जाना चाहते हैं उनका सूची हमको वहाँ भेजना पड़ता है, कितने लोग जाएंगे, और उस राज्य में वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, या किसी और राज्य में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, तो वहाँ पे किस जिले में वो लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ के सरकार इनके जाने का प्रबंध करना चाहिए। वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनके लिए स्पेशल प्रबंध करना पड़ेगा। अब ये लोग सडनली जाके उतर गए, और बिहार जैसा राज्य है वहाँ के लोग बता रहे थे, वहाँ के सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे, कई लाख लोग वहाँ पहुँच रहे, तो एकदम एक लाख लोग आ जाए तो उनको संभालना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग भी एक शेड्यूल बना रहे, अगर बाहर से लोग आ रहे तो किस प्रकार से उनको कौन से रेलवे स्टेशन पे उतारा जाए, किधर लिया जाए, और जैसा सेफली उनका घर पहुंचा दिया जाए, उनके गांव पहुंचा दिया जाए, इसके लिए टाइम लगेगा। तो इसीलिए दूसरे राज्यों से जो तेलंगाना में काम कर रहे हैं भाई बंधुजन है, कोई आपको घबराहट की जरूरत नहीं है, आप जाना चाहो तो हम भेज देंगे, लेकिन ज़्यादातर रुकने का प्रयास कीजिए, और इकट्ठा सारे लोग इकट्ठा जाएंगे संभव नहीं है, आप लोग ये समझना चाहिए, लाखों में हज़ारों में हम नहीं भेज सकते। अब आज एक 11 ट्रेन हमने भेज रहे हैं, आज देखिए बिहार के लिए 5 गाड़ी रवाना हो रहे, झारखंड के लिए 1 गाड़ी हो रहे, राजस्थान के लिए 1 ट्रेन जा रहे, उत्तर प्रदेश के लिए 2 ट्रेन जा रहे, और मध्य प्रदेश के लिए 2 ट्रेन जा रहे। तो इस प्रकार से 11 ट्रेन आज हैदराबाद से रवाना हुए। मैं 40 ट्रेन भेजना चाह रहा था, लेकिन उन राज्यों से भी हमारे को कंसेंट की जरूरत है, इजाजत लेना पड़ता है, तो एकदम एक 10,000 गए, वहाँ पे बस नहीं मिलेगा, आप अपने गांव नहीं पहुँच जाएंगे, वहाँ भी दिक्कत हो जाएगा, ये कुछ उल्टा सुलटा हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे अब तक 13 ट्रेन, पहले 2 ट्रेन जा चुके हैं, अब 13 ट्रेन जा रहे हैं। अब एक ऐसी अच्छी बात यह है, एक पॉजिटिव बात, कि हमारे राज्य में पूरे राइस मिल्स में जितने भी राइस के मिल्स है बिहार के भाई काम करते हैं। अभी वो 20-22,000 लोग आना चाह रहे हैं बिहार से, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। जो गाड़ी बिहार जा रहा है वहाँ से राइस मिल में काम करने वाले लोग वापस में उसी गाड़ी में वापस हम लोग ला रहे हैं। कल एक ट्रिप आ रहा है बिहार से, जो कल गया था ट्रेन, उस ट्रेन से बिहार से फिर हम वहाँ से 1200 लोगों को भर्ती करके ला रहे हैं, जो यहाँ के भिन्न भिन्न प्रांतों में राइस मिल्स में काम करने वाले हैं। इस प्रकार से 20-25,000 लोग आ भी रहे हैं, सिर्फ जाने वाले नहीं काम के लिए आने वाले भी हैं। हम लोग समझते हैं अभी थोड़ा आप पीड़ा उठा रहे हैं, पीड़ा से गुजर रहे हैं, लिहाजा आप अपना घर जाना चाहते हैं तो एकदम हम भेज नहीं पाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, हम आपको भेजने का प्रयास धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वो इस प्रकार का हमें वहाँ से मिलना पड़ता है, उनका अनुमति लेके हम आपको भेजेंगे ताकि आप सेफ जा सकते। और हमें पूरे जानकारी ये भी है कि आप वापस फिर से तेलंगाना राज्य में आएंगे, आपको यहाँ खाना मिलता है, पेट में पेट भर के हाथ भर के काम भी मिलता है, हर चीज़ में मिलता है, तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, फिर काम करने के लिए आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे आपको भेजते जाएंगे, लिहाजा आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप रह सकते हैं अगर रहना चाहे, कोई दिक्कत हो 100 को डायल कीजिए, वहाँ के अधिकारी से मिलिए, वहाँ के MLA से मिलिए, हमारे मंत्री जी से मिल लीजिए, आपको पूरा हम कर सकते हैं। अभी जो कर रहे हैं फंक्शन हॉल्स में हम काम इंतजाम कर रहे हैं, हर लिहाज से कर रहे हैं, वो आपके आप जानते हैं उस बात को, उसी प्रकार से आपके साथ रवैया होगा, आप कोई घबराहट ना करें, परेशान ना हो, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।